ईद के लिए क्या अरेंजमेंट्स हैं और अगर बारिश होती है तो सेकंड प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? अभी पिछले एक हफ्ते से आप देख रहे हैं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और हम जो यहाँ के इंतजामिया है उनके साथ मिलके डिफरेंट पहलूज पर डिस्कशन कर चुके हैं और ईद का इंतजाम पे यहाँ खासकर इस ग्राउंड के लिए यहाँ साफ़ सफाई का और बैरिकेडिंग का, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर और साथ में फायर सर्विसेज का, सभी डिपार्टमेंट्स के साथ डिप्टी कमिश्नर साहब और मैंने बैठ के मीटिंग कर ली है, फुल प्रूफ इंतजाम सो दैट जितने भी हमारे यहाँ के शहरी नमाज अदा करेंगे उनको कोई दिक्कत ना हो। बिसाइड सिक्योरिटी के इंतजाम पे हमने ज़्यादा फोकस दिया है और वी हैव सफिशेंट स्ट्रेंथ। एरिया फेमिलाइजेशन आज एक्सरसाइज हमने कर ली है मॉक ड्रिल और इसके साथ हमारे पास एडिशनल फोर्सेज आ चुकी हैं और कुछ रास्ते में चल रही हैं, उनको भी हम अच्छे तरीके से डिप्लॉयमेंट करके और उनको एरिया बता देंगे। मुझे यकीन है कि इन ऑल रिस्पेक्ट ये पीसफुल इवेंट रहेगा और खासकर ये इवेंट पब्लिक ने ही मैनेज करना होता है। फोर्सेज तो जस्ट सिम्बोलिक होती हैं बट ज़्यादा ये पब्लिक का इवेंट है तो पब्लिक को ही अपने लेवल पे अपने हिसाब से मैनेज करना है ताकि ये इंसिडेंट फ्री और खुशी का माहौल है और खुशी का माहौल, खुशी बांटने का एक माहौल बनाना है सो दैट लोग अपने अच्छे तरीके से नमाज पढ़ने के बाद घरों में जाएं, रिश्तेदारों से मिलें और रमज़ान का महीना, पवित्र महीना जो है वो हमारा आप कल्मिनेशन पे है और इसमें प्योरिटी है। तो मैं मान के चलता हूँ कि ईद के दिन सभी प्योरीफाई हो चुके हैं और वो उनके एक्शन भी वैसे होंगे कि जो सोसाइटी के हित में हैं और किसी को कोई गलत मैसेज ना दे। अगर किसी को कोई कम्युनिकेशन में या गलत इन्फॉर्मेशन आती है या कोई ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी नोटिस आती है प्लीज़ हमें कम्युनिकेट करें, वी आर देयर टू सपोर्ट। तो हम आपकी सपोर्ट के लिए हर समय फोरफ्रंट पे। सर आप नेत्रा ड्रोन यूज़ कर रहे हैं उसमें जो ट्रबल शूटर्स उनके फोटोग्राफ भी फीड होते हैं। अब हमारे पास तीन नेत्रा आ चुके हैं, इसमें यह है कि हम अगर पुलिस लाइन से ही ऑपरेट करेंगे और उसको यहाँ ग्राउंड में लाने की जरूरत नहीं है, हाइट पे ऑपरेट करेंगे, उसमें जितने भी इंडिविजुअल्स हैं फेशियल रिकग्निशन सिस्टम है उसमें आइडेंटिफाई हो जाते हैं इंडिविजुअल्स भले ही उसने मास्क क्यों ना पहना। ये मैं रिपीट करूँगा, चाहे मास्क क्यों ना पहना, इसमें ये प्रोविजन है, न्यू टेक्नोलॉजी है, इसका यूज़ करेंगे और मुझे लगता है कि जरूरत नहीं पड़ेगी बट जो मिस क्रिएट है उनको मैसेज बड़ा क्लियर जाना चाहिए कि वी हैव कैपेबिलिटी टू आइडेंटिफाई यू, तो उसके खिलाफ एक्शन होगा अगर कोई इस माहौल में खराब करने। सर अगर बारिश होती है मस्जिदों में नमाज होगी तो किस तरह करेंगे? हम मस्जिदों के बाहर वहाँ डिप्लॉयमेंट, सफिशियंट डिप्लॉयमेंट करेंगे, सपोर्ट करेंगे ताकि बिना किसी दिक्कत के, खासकर ट्रैफिक मैनेजमेंट इज अ बिगर चैलेंज। तो मेरा एक और रिक्वेस्ट रहेगा कि ईद के दिन ट्रैफिक यहाँ रेगुलेट करना एक ही रोड है बहुत मुश्किल है, गाड़ियों में मत आइए, गाड़ियाँ अपने घरों में रखिए उस दिन। और ITI और डिग्री कॉलेज उस एरिया में हमने पार्किंग स्लॉट्स आइडेंटिफाई किए और SP ऑफिस के नीचे, तो वहीं तक ट्रैफिक रोका जाएगा। यहाँ आपके शहीदी चौक से नीचे कोई गाड़ी अलाउ नहीं की जाएगी, बस स्टैंड से पीछे ही रखी जाएंगी, साथ लाइक वाइज संग्राम बाटा में नीचे और इसी तरह DC ऑफिस से पहले, सो दैट यहाँ लोग फ्रीली पेडेस्ट्रियन जो है वो चल सके। सर पहले हॉट स्पॉट जो एरिया होते थे वहाँ पर दोनों कम्युनिटीज की मीटिंग होती थी इन ओकेजन्स को लेकर, लेकिन आज नहीं हुई तो इस पर क्या बोलेंगे? करवाएंगे, अभी टाइम है हमारे पास, उनको सभी को बिठाएंगे और अभी तो हम मोहल्ला लेवल पर कमिटीज के साथ मीटिंग कर रहे हैं। वी विल इंश्योर कि ये जॉइंट फैमिली सिस्टम है यहाँ, तो इसको इनको ही मैनेज करना है, दे शुड हैव कम फॉरवर्ड। अगेन मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो ये बाशऊर लोग हैं कि आप इस माहौल में आगे आइए, इस इवेंट पर खुशी का माहौल है और इसको और खुशनुमा बनाए। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।